हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोपहर के 1:53 हो रहे हैं और हमारे पीछे आग लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे हम जॉम्बी को हराने के लिए हमने ये लगाया था, लेकिन यार ये पूरा घर में जंगल में आग लग गया है यार। इसको हटाएं कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है यार। ऐसे अरे यार पूरा जंगल में आग लग गया। नहीं 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 नहीं, हमने फ्लिंट स्टिक से ऐसे आग लगाई थी ताकि नीचे का जॉम्बी जल जाए। यार पूरा का पूरा जंगल जल रहा है यार, मेरा पूरा मकान के नीचे का व्यू खराब हो जाएगा। अब देखो ऊपर से वो भी आ गए हैं फैंटम्स। अरे यार ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। इसके अंदर आग लगाएंगे। ए जाना भाई। अरे यार आग लग गया है यहाँ पे। ए भाग, देख रहा है यार पेड़ों को। अरे यार ये आग कैसे बुझेगी, अंदर वाली नहीं पेड़ वाली। अंदर वाली में भी बहुत आ गए भाई, अंदर में बहुत आ गए मेरे। सबके अंदर आ गए। वो वाला आग की बात नहीं कर रहे, ये वाले आग की। ऊपर से साले फैंटम साउंटम्स भी ना। ये बुझाए और बुझाते हैं हम लोग। ओह माय गॉड, अब तुमको बताते हैं जो कहाँ यार आग लग गया था पूरा। पता है ये फैलते जाता है, ये जो आग लगी हुई है ना ये फैलते जाती है। अब इनको हम बताते हैं, ये लोग मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिए थे। अब तो तुम गया बच। अरे इरकुट कहीं के फैंटम्स भी आ गए थे, काफी दिन से हमने सोए। साला तुम मेरा इफेक्ट खराब करे, इफेक्ट तुम उसको रोक नहीं सकता था। हैं स्केलेटन मार रहा है हमको, तुम रोक नहीं सकता था। कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ। चिरकुट कहीं का, वहां जाके मारा है साला। इंटरपल गिराएगा भी तो 2 किलोमीटर दूर गिराएगा। क्या है वैसे ये क्या है। ओह पेड़ है। तो चलिए गाइस चलते हैं सोने के लिए। रात को आधी रात को जग रहे हैं। ये रहा अपना अजीब सा घर, पता नहीं इसको घर कहेंगे कि स्टोरेज गोदाम गोदाम कहेंगे, पता ही नहीं हमको, समझ नहीं आ रहा है। ये सोते हैं चलो ठीक है। हाथ में कोई देख रहे हो तीर मार दिया। स्केलेटन हॉर्स क्राइज यार स्केलेटन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, देख रहे हो भाई क्या मस्त सीनरी है। और एक आग लगने से आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी यार। पता है क्या हुआ था, मैं यहाँ पे ना वो आयरन फार्म ढूंढने के लिए गया था कि आयरन फार्म में मतलब कि कुछ आयरन है कि नहीं है। और यहाँ हम नीचे देखिए तो एक स्केलेटन दिखा, तो सोचा स्केलेटन को मार के आते हैं मज़ा आएगा, वैसे भी मारने में किसी को बहुत मज़ा आता है। तो जब नीचे गए तो हमने खाली हल्का सा एक आग लगा दिया कि भाई जल के मर जाएगा। वो आग पूरा यार पूरा पेड़ पे पूरा फैलने लगे थे, देख रहे हो नीचे कितना एकदम जल गया है सब। खराब लगता है ना यार, पेड़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग बताएं कुछ सामान मूव इन करेंगे कि यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से यहाँ पर कैसे इसको मूव करना है। और देखेंगे कि हमारे लड़का जवान हुआ है कि नहीं हुआ है। जवान हुआ है कि नहीं हुआ है, कि अभी भी वही है। मेरे ख्याल से अपना लड़का जवान हो गया, ठीक है, हमारे सामने पैदा हुआ है, बड़ा भी हो गया। अब इसको मूव आउट करेंगे ठीक है। और चलिए पहले बताएं बोक रिपेयर कर लेते हैं यार। ये बोक मेरे को थोड़ा टेंशन दे रहा है, और हमें इतना आराम से मरते रहते हैं ना कि मेरा एक्सपीरियंस लेवल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है यार। ठीक है तो मैं एक बो निकालूंगा और बो को निकाल करके इसको रिपेयर कर दूंगा। ये कौन सा अजीब अजीब सा है नाम, तीर कमान, इसका नाम क्या है भाई, तीर कमान। ऐ तीर कमान कुछ भयंकर अच्छा नहीं लग रहा है। घुसाने वाला ठीक है। ये बताएं ये एरो घुसा देता है। चलो लेट्स गो, घुसाने वाला। मैं हूँ एक बांसुरी बजाने वाला चाहिए। गाना सुनना बॉलीवुड का। सुन भी लेना भाई, देखना मत उसको ठीक है, देखने लायक वो पुराने जमाने की मूवी, इसलिए बहुत ज़्यादा ही संस्कारी वाला गाना है वो। तो चलिए आज हम लोग पता है कुछ की सामान को अपना मूव इन करना, और इन लोगों को थोड़ा भीख दे रहा था कि इन लोगों को और रिप्रोडक्शन हो जाए ना, क्योंकि इतना कम में काम नहीं चलेगा। तो कहाँ गया ब्रेड थोड़ा लेकर के आओ यार। यार ये खेती बाड़ी करने बड़ा अजीब लगता है यार, सही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है मजदूरी कर रहे हैं किसी के खेत में आकर के। अभी तक हमने फार्म वर्म नहीं बनाया है। अरे इसको थोड़ी बोया जाता है, पागल कहीं के इसको बोया जाता है। चलिए देखते हैं कि इनके आज कौन कौन बच्चे पैदा करेगा। ए बोट में जाओ, बोट में जाओ, जाना बोट में। देखो बोट में नहीं जा रहा साले, ये लोग सीधा बात समझते नहीं। अभी इनको भीग देंगे। ए तू तू ले आ, ले 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 ए, तू ले
ले ले ले ले ले तू 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 देखा बोट में बैठ गया ये लोग साले भिखारी होते हैं, इन लोग सीधा बात समझ में नहीं आता इन लोग को चलो चलो हमको बच्चे करके दो ठीक है, जल्दी से एकदम तंदुरुस्त बच्चा करके दो ये बेचारा इसको मजा आता है लेकिन ये लोग मजा लेगा भी। यार कभी सोचिए कि ये जो विलेजर होते हैं ये लड़की है कि लड़का है, यार उनको समझ में नहीं आता यार कौन लड़की है कौन लड़का है। अच्छा बेबी हो गया चलो ठीक है, तो पता है ये तीन को हम लोग ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, बाकी तीन को हम लोग कहीं और लेकर के जाएंगे विलेजर ब्रीडर के लिए ठीक। तो आज हम लोग बताएं कुछ सामान वामान थोड़ा सा यहाँ से मूव इन करते हैं ठीक, यहाँ से अपना मेन मेन अपना जो गोदाम है सारा इसको क्या कहेंगे यार, ये मेरे लिए पता है शर्मिंदगी है ये देखिएगा ये मकान है मेरे लिए शर्मिंदगी है, ये देखो ये क्या है यार ये क्या बना दिए हो, देख रहे हो ऐसा मकान कहीं देखते हो आप ये देखो ये गोदाम है, इससे अच्छा तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना उनके जो पेट्स होते हैं उनका अच्छा मकान रहता है, उनसे भी बेकार मकान मेरा है तो गाइज आज हम लोग क्या करेंगे पता है, आज हम लोग करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग काम, इतना इंटरेस्टिंग काम करेंगे कि एकदम इंटरेस्टिंग शब्द ही इस काम का डेफिनेशन हो जाएगा। ऑलराइट आज हम लोग करेंगे लकड़ी काटना, ये 10 years later मेरा मन नहीं कर रहा लकड़ी काटने का अरे यार ऐसे थोड़ी चलेगा, आज हम लोग मूव आउट करते हैं इन विलेजर्स विलेजर्स को, यहाँ से हम लोग मूव करते हैं ठीक। विलेजर्स को मूव करने के लिए ना इनको ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है यार, देख रहे हो कैसा कैसा सिस्टम बनाना पड़ता है इनको, इनके लिए मेरे को हम लोगों को उनको इसमें डालना है, मतलब उनको अंदर में डालना है, नहीं नहीं मतलब उनको उनके अंदर में नहीं मतलब इस मकान के अंदर में डालना है उनको आयरन गोले में, देखो 15 आएगा, 15 से ज़्यादा आ सकता है लेकिन आज उसका आने का मन नहीं, 15 आयरन आ गया है तो हम लोग रेल कार्ड बना लेंगे माइन कार्ड बना लेंगे और हम लोग जो पहले से जो जो आइटम्स है वो भी ले लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग रेल्स ले लिए हैं अपना, तो आज हम लोग गाइस पता है आज हम लोग विलेजर्स को मूव करेंगे ठीक है, वो जो अंदर में गुमटी सा एकदम अजीब सा तहखाना में बंद है ना हम लोग उनको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेंगे विलेजर्स को, और विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के बाद से ताकि हम लोग अपना आयरन फार्म बनते रहे यार, आयरन फार्म तो कम से कम रिपेयर कर ही सकते हैं ठीक। बिल्ली कहाँ है आगे यहाँ पे, अरे ये तुम इधर आओ यार, इधर आओ अरे यार ये बिल्लियाँ भी ना सर दर्द होती है, रियल लाइफ में भी होती है और यहाँ पे भी होती है। अब हम लोग लाते हैं विलेजर्स को इनके साले तबेला से, इनको विलेजर्स को उठा के लेके आते हैं ठीक। विलेजर्स को यहाँ पे मूव इन करवाना है लेकिन उसके पहले मेरे को ना ये तुम चले यार घर चल, अच्छा यहाँ कहाँ गई बिल्ली, अरे बिल्ली कहाँ गई यार कहाँ चली गई, गजब है मेरी बिल्ली गायब हो गई गाइज, पर मैं यहां कर क्या कर रही है, अरे इनका भी यार गजब नौटंकी होता है, सही बता रही इनका गजब नौटंकी होता है, मतलब यार ये लोग सरदर्द बन जाती हैं, देख रहा यहां पे क्या कर रही है, यहां पे क्या कर रही है, यहाँ आओ बाहर आ, अरे यार बिल्लियां सरदर्द होती हैं, एक नंबर की सरदर्द होती हैं, तू जो चा बैठा यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग पता है कि एक बार क्या हुआ था एक बार क्या हुआ था बताएं ठीक है, हम ना रात भर जॉम्बी को ढूंढते रहे कि जॉम्बी इसमें आए ठीक है मेरे माइनकार्ट में आए ताकि हम यहाँ पर बैठ करके इसको ट्रांसपोर्ट कर दें, आ ही नहीं रहा था जॉम्बी, मुश्किल से बताएं सुबह होने के 30 सेकंड पहले जॉम्बी मिला, हमने तुरंत उसको कार्ट पे बैठाया, चलते चलते जॉम्बी वहाँ कार्ट पे बैठा और जॉम्बी के ऊपर ही सनराइज के कारण आग लगना शुरू हो गया
हम बताए भाई, हम यहाँ पर खड़ा होकर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जॉम्बी डालेंगे तभी तो ये अपना आयरन फार्म कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जॉम्बी कार्ट में बैठे 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 चढ़ के आ रहा है और जॉम्बी के ऊपर आग लगा हुआ है, ऐसे ऐसे आग लगा हुआ है, जॉम्बी आया 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 आया, जैसे यहाँ तक पहुँचा भाई, जैसे एकदम जस्ट बॉर्डर पर पहुँचा, जॉम्बी जल करके स्वाहा हो गया और हमको ये मिला रोटन प्लेस। इतना दिमाग खराब हुआ ना भाई, इतना दिमाग खराब हुआ कि क्या बताया, मतलब दिमाग का दही हो गया साला। उस इंसान ने इतना गुस्सा ने चिड़चिड़ा हो गया ना माइनक्राफ्ट के ऊपर, को पता मेन गुस्सा आने लग गया क्यों, क्योंकि यार ये लोग साले, इतना बड़ा गेम हो गया, 10 साल से भी ऊपर हो गया, 2010 की 11 में लॉन्च हुआ था ये गेम। अरे ससुर, तुमको अभी तक तुम ऐसा नहीं कर सकते कि विलेजर को कोई सुविधा से आराम से इसको ट्रांसपोर्ट कर सके, इतना सरदर्द होता है ना विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करना गाइज ना, कि क्या पता है जो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं किया ना उनको क्या समझ में आएगा, लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्ट किए उनको समझ में आएगा कि यार कितना बड़ा सरदर्द होता है विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करना। मेरा तो सलाह ऐसा मैप है ना, देख रहे हो अभी स्लैब के ऊपर ये नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता ना गाइज कि दिमाग खराब हो जाता है मेरा। विलेजर्स आएंगे यहाँ पे आके भड़ाक भड़ाक गिरेंगे, ठीक है। 3 विलेजर्स को हमको ट्रांसपोर्ट करना है, चलिए लेकर के आते हैं हम लोग विलेजर्स को, माइनकार्ट वहीं पे बना लिया जाएगा मेरे ख्याल से, सब सिस्टम विस्टम ऑन है, चले चलते हैं। रात होने के पहले विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो बेटर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐ सालो इधर आओ, अब देखना ये लोग जाएंगे नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, गुड चला गया, अभी कैमरा पे रहता है तो जल्दी से चला जाता, नहीं तो अकेले जाने में बहुत मेहनत होता है। चलो चलो वहाँ स्टेशन पे मिलते हैं, ठीक है। ऐसे एक बार जॉम्बी को बैठा है, जॉम्बी के ऊपर आग लग गया है, जॉम्बी को आयरन फार्म में जाना है। हमको अपने ऊपर गुस्सा लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। हाँ देखो आ गया ना, हेलो गिरा कि नहीं गिरा इसमें, उधर जाओ उधर जाओ, अभी इधर आएगा नहीं, इसको भीख देना पड़ता है, ठीक है। ए तू आइए इधर आओ इधर आओ इधर आओ, साले उधर फेंकेंगे, जाओ उसमें 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 ले ले जाओ, अरे ले गया, नहीं भिखारी है साले, विलेजर नहीं है, बेगर्स हैं। चलो आ जाओ इधर, चलो साले नौटंकी कहीं के पहुँचा कि नहीं पहुँचा, अरे ये तो अटक गया, गिर क्यों नहीं रहा है यार ये, अच्छा इसका खोपड़ी आ जा रहा रास्ते में क्यों, अच्छा रात होने वाली है गाइज, ये देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है इसके को, अबे नौटंकी कहीं कि इसको उतरने तो दो साला, क्या नौटंकी चलते रहते, गेम हमसे नफरत करता है गाइज। अभी रात हो गया, रात होने के पहले हमको एक और इनको भेजना नहीं, इसे नहीं, ये लोग सोना शुरू कर देंगे। चलो देखते हैं ये लोग कहाँ पे पहुंचा है, है कि नहीं है, आओ जल्दी आओ यार, आ गया आ गया आ गया भाई, जी लोग मैं दिमाग खराब करके रख दिया, अबे सालो जाओ सोने के लिए, इनका खून कर देंगे और जम रहे हैं 5 मिनट और, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो अपनी जिंदगी, अगला वाला कहाँ गया बताओ, 3 विलेजर लाए थे, 3 में से एक माँ चला गया, एक बहन गायब हो गया और एक खाली एक ये बचा हुआ है, साला मूडे खराब कर देते लोग, पता नहीं कहाँ माँ चला गया, कहाँ गया साला, वैसे मारेंगे नहीं ना तो मेरे को मजा नहीं आएगा, कहाँ गया साला, वैसे पता है सही बता, मेरे को दिमाग एकदम खराब हो जाता है, सही में पूरा माइनक्राफ्ट को पता है सबसे ज़्यादा पता लगता है विलेजर को ना, यहाँ से वहाँ मूव करें, बहुत गुस्सा आता है गाइस, बहुत गुस्सा आता है मेरे को, हम क्या बताएं, इतना गुस्सा आता है ना कि किस पे गुस्सा निकाले हैं, किस पे गुस्सा निकाले हैं? तो इतना गुस्सा आ रहा है इसी पे निकालेंगे हम, थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ है मेरा, ज़्यादा नहीं हुआ है, पता है ये मेंडिंग विलेजर है, ये मेंडिंग विलेजर बहुत इंपॉर्टेंट विलेजर है, ये इनको देखो क्या हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सही हुए गाइस, आज मेरा खोपड़ी खराब हो रहा है, सही बता रहे, पता है बाहर लाइब्रेरी घूम रहा, बहुत इंपॉर्टेंट विलेजर है वो जो बाहर घूम रहा है, ठीक, देखो ये बहुत बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है गिर रहा है, चढ़ रहा है गिर रहा है, डैमेज ले रहा है, देख लो यहाँ चढ़ रहा है बहन, अभी यहाँ उतर के गिरेगा, ये
ये देखो मत साला एकदम ये गेम मेरा गेम पता है नहीं साला, ये मेरा सरदर्द है, मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है साला। भाई दो बार डैमेज खा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट विलेजर है क्योंकि साले के पास मेल्डिंग है। दिमाग खराब कर देता है, दिमाग कर देता है साला विलेजर साले सब। ए ए कुत्ते तू जाओ। अरे ए यार बैठो उसमें जाओ। अबे गाड़ी मेरा निकल गया यार, मेरा दिमाग खराब करके रहती है ये लोग साले। ये लोग सही बता रहे, मेरा सरदर्द है जिंदगी का सबसे बड़ा। ले साले ले ले जाके खा। गाइस सही में मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत। अबे जान अबे जान साले जान अबे जान। अच्छा साला दिमाग खराब करके रख दिया है, देख रहा तुम ही चले जा साला, तुम ही चले जा। इसी को भेजते हैं यार पता नहीं काम। अच्छा आज देख रहे हो आज इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर आपको समझ रहा है। देख लो यही चीज इसलिए हम कैमरे के सामने नहीं करते, व्यूअर का भी दिमाग खराब होगा। ये अपने टकले से विलेजर का जो बच्चा है इसी को रोक ले रहा है। कम से कम यहाँ पर दो लोग चाहिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर जो तीन लोग नहीं रहेगा तो मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करूँगा। मेरे पास यहाँ पर तीन लोग हैं तो मैं ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ, एक ही आ जाएगा। ए ले ले साले भिखारी कहीं के, ले तू बैठ साला बैठ इसमें बैठ। चलो चलते हैं। ओह माय गॉड गाइस इतना सर दर्द होते हैं ना। गया गया साला कहाँ गया, ये देखो निकल के भाग गया साला, देख रहा हूँ। ए आ तो पता है हराम इधर ही आएगा। इधर आओ सालो इधर आ कुत्ते कहीं के, इधर आओ इधर आओ तुमको बताते हैं। अबे अबे आ ये देखो बहन कहाँ आ गया। कम झंडू किस्मत नहीं है गाइस अपनी, ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा सुनो कोई बात नहीं सुनो, अच्छा ये लोग आ रहा है आने दो ठीक है। इन लोगों को ना यहाँ पे बेड का रास्ता खोल देते हैं, ये लोग साले जाएंगे सोएंगे रहेंगे, वैसे भी दो ही विलेजर्स हैं। आओ सालो इधर आओ। अरे एक और विलेजर था ना, ये भी साला रास्ता भटक गया है, भटक क्या गया चुटिए हैं साले सब। भाई चल उधर चल, इसमें बैठाते हैं इसको, लेके चलते हैं यहाँ से। वो देखो उस पे के चढ़ गया, देखो चढ़ता है साला डैमेज ले रहा है, चढ़ रहा है डैमेज ले रहा है, चढ़ रहा है डैमेज ले रहा है। गया सोने के लिए, तुम भी जाओ। ये मकान में क्यों नहीं जा रहा है, चलो चलो सो रहा है ठीक। हाँ यही हम चाह रहे थे ये तीनों सो जाए यहाँ पे। एक मेरे को जॉम्बी को यहाँ पे लाना है, अब हमको नीचे से जॉम्बी चलाने हैं ठीक। जॉम्बी वॉम्बी स्पॉन करने के लिए ये हार्ड में होना चाहिए, नॉर्मल में नहीं होना चाहिए ठीक है गाइस। जल्दी भेजो उसको यहाँ पे। ये बाहर कहाँ से निकल आया, एक मिनट रुको यहाँ पे कितने हैं, एक है दो है, ये बाहर कैसे आ गया गाइस। खत्म हो गया ठीक, अब हम लोग को सिर्फ एक विलेजर लाना होगा। ये
पता नहीं माँ कैसे यहाँ पे आ गया था, हमको नहीं पता, आई डोंट नो, हमको नहीं पता भाई, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है नहीं, पता नहीं कैसे निकल के आ गया था, हमें नहीं पता। और निकलना होता तो बच्चे को निकलना होता, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक गैप था, तो वो भी नहीं निकला, लेकिन ये उतना बड़ा सा निकल गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। अब मेरे को ना ये रूट चेंज करना पड़ेगा, मेरे को रूट बार बार बदलना होगा, अब यहाँ से ये वाला रूट करना पड़ेगा, फिर इसमें किसी को गिराना पड़ेगा, फिर एक रात रुकना होगा। अरे यार इतना बड़ा सर दर्द है नहीं, क्या बताएं, कम सर दर्द नहीं है ये। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, कि मेरे को यहाँ पे रूट अपना चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से डाइवर्जन देना पड़ेगा इसको, ठीक। अब ये लोग साला उसमें आके गिरेगा, पता नहीं कैसे गिर गया, हमको समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो, समझे। और हमको इसको खत्म करना होगा। ये देख रहे हो, ये देखो, कम झंडू किस्मत नहीं है गाइस हमारी। टंकी हो गया यार, इतना बड़ा सरदर्द है ना साला, विलेजर को ट्रांसपोर्ट करना ना गाइज, क्या बताएं। ले तू तू ले, हा हा, एक उधर एक उधर टहल रहा साला, क्या किस्मत है यार अपनी, क्या किस्मत है। यहाँ कहाँ मचा रहे हो, बैठना भाई बैठना बैठना, बैठ जा यार बैठ जा। भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, ये गिरे माता गिरा और चोट लगा साले को। अरे कहाँ निकले जा रहे हो, ये ले बैठ साला, बैठ 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 इसमें, बैठ भाई बैठ, चोर साला, दिमाग खराब करके रख दिया भाई मेरा, दिमाग का दही कर दिया साला। इस साइड का हो गया पहली बार में, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया उसका गाड़ी, ये देखो प्रॉब्लम होते हो ना, जाओ आओ साले आओ, घुसो इसके अंदर, एक कुत्तिया को देखो यहाँ घूम रहा है साला, यहीं गई था, पता नहीं कहाँ था विलेजर, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ टहल रहा साला, क्या बताएं साला, ये सब सरदर्द होते हैं ना। ये देखो जॉम्बी आना शुरू हो गया, अभी एक ऐसा जॉम्बी ढूंढते हैं ना गाइस जिसके हाथ में कोई ना कोई आर्मर हो या फिर कुछ हो, चलो कोई तो आया, गाड़ी चल गई अपनी, चलो देखते ऊपर में क्या हो रहा, ये गाइज यहाँ स्पॉन हो गया साला, कोई बात नहीं, इसका यहाँ पे स्पॉन होना अच्छी बात है, ठीक है गाइज, अब हम लोग इसको प्लेटफॉर्म हटा देंगे ना तो ये वहां पे स्पॉन होने लगेगा, यस वी डिड इट फाइनली गाइज। अबे तू मरने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, अरे चिरकुट मरिए नहीं रहा, ये देखो गाइज अपने सफलता के परिणाम, ये पहला ये जो है ना ये बहुत जरूरी है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से सब सारी सारी चीज़ों को हटाते हैं, ठीक, क्योंकि इसके आसपास अगर जो कुछ रहेगा ना तो ये आयरन गोले उसी पे स्पॉन होने लगेगा, तो अभी हम लोग वो सब हटाएंगे, लेकिन चलते पहले अभी सो जाते, नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं कि अंधेरे में क्या हो रहा है। चलो गाइज, ओ माई गॉड,
इतना बड़ा सरदर्द सॉल्व हुआ हो, वहाँ स्पॉन हो गया साला। चलो कोई बात नहीं, इसको मारेंगे नहीं ना, तो अगला आयरन गोलेम स्पॉन नहीं होगा। चढ़ के तो ऐसे आ रहे, लगता है कि हमको उड़ा ही देंगे। हमारी वजह से तुम जन्म लिए हो, तुम्हारी वजह से हम जन्म नहीं लिए हैं। अब देखो अगला जो आयरन गोलेम स्पॉन, अच्छा मतलब ये वाला भी हम लोग को हटाना होगा ना, ये सब नहीं हटाएंगे ना तो फिर यहीं कहीं स्पॉन होगा, जहाँ उसको स्पॉन हम चाहते वहाँ नहीं होगा। माइनक्राफ्ट में कुछ भी करो ना भाई, हमेशा उल्टा ही होता है, जहाँ कुछ करना चाहो वहाँ नहीं होगा। जब वो ये पता है, ये पानी में भी स्पॉन हो सकता था, लेकिन नहीं, पानी में क्यों स्पॉन होगा भाई, पानी में क्यों स्पॉन होगा, ताकि पानी में स्पॉन होने से मेरा हेल्प हो जाएगा, और गेम नहीं चाहता कि मेरा कुछ भला हो यहाँ पे, जबकि कई जगह में से वहाँ भी स्पॉन हो सकता था, लेकिन नहीं। अरे यार इतना बड़ा सरदर्द था ना ये, अब मेरे को उतरना होगा यहाँ पे और हमको ये सब चीज़ें हटानी होगी। आयरन गोलेम को सिर्फ यहीं पे स्पॉन होना होगा और कहीं नहीं होगा, होगा यहाँ पानी में होगा स्पॉन, वो फिर पानी से जाएगा, लावा मिलेगा, लावा मिलेगा तो मेरे को आयरन मिलेगा। ये देखिए गाइस, ये यहाँ गिरेगा, हो जाएगा इसमें ये मधुर सा आवाज़ सुना है, आह ओ माय गॉड, सुन के आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है गाइज। तो इस तरीके से अपना आयरन फार्म कंप्लीट होता है जो टूटा फूटा हुआ था, क्योंकि यार इस साइड से तो आ ही रहा था, अब इस साइड से भी आएगा। ये कितना आयरन, आह ये तो सुख है गाइज, ये आयरन नहीं है, ये एक सुख है, सुख। चलो गाइज, पता है आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है पूरा गेम में। हम लोगों ने फाइनली आयरन फार्म अपना कंप्लीट किया, आज रिपेयर हो गया भाई, सरदर्द खत्म हुआ। एक डे नंबर 269 है, 200-250 दिन में हम लोग का आयरन फार्म बन रहा है। पता अभी बहुत बहुत दिन खेलना है, अगर जो सीरीज बनी रही ना तो काफ़ी टाइम तक खेलते रहेंगे, अच्छा लग रहा है ना। चलो ये हम लोग अपना आयरन फार्म हम लोग का कंप्लीट हो गया, बहुत सुंदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन सुंदरता से नहीं लेना देना, हम लोग को आयरन से लेना देना है। अब आगे हम लोग कई सारी चीज़ें बनाया जाएगा, ठीक। इस एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।